खास सरोकार। कृष्ण जयंती समारोह में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, पत्रकारों से किया बातचीत। छठ पूजा को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री ने जिले के घाटों का किया निरीक्षण, प्रशांत किशोर पर कसा तंज। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का किया शुभारंभ, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी ने साइकोलॉजी का परिणाम किया जारी, निभा कुमारी ने यूनिवर्सिटी में किया टॉप। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद, सभी आरोपी हुए गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है बिहार की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। खबर पटना से है जहां भारत सरकार के नवरत्न कंपनियों में से एक एनटीपीसी प्राइवेट लिमिटेड लोगों के साथ स्थापना काल से ही विश्वासघात कर रही है। जिन किसानों ने अपनी खेती की जमीन एनटीपीसी को दे दिया वो आज रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। बता दें कि एनटीपीसी सीएसआर के तहत इसके सीमावर्ती क्षेत्रों का चौमुखी विकास करना इनकी जिम्मेदारी है, पर सिर्फ और सिर्फ कागजों पर खानापूर्ति हो रही है और एनटीपीसी प्लांट से उत्सर्जित होने वाला छाय युक्त धुआं आसपास की जमीन को धीरे धीरे बंजर और वीरान बनाती जा रही है। आपका घर बगलपुरा? तब तो आपका अक्सर यहाँ से आना जाना हो रहा होगा। जी सर। कब से ये स्थिति है सर यहाँ का? स्थिति तो बहुत दिन से है, दो तीन साल से यही स्थिति है सर। यहाँ पर कोई पानी का छिड़काव हो रहा है? इधर तो कोई नहीं होता, उधर थोड़ा बहुत होता है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है। ये भी एक रास्ता है जिससे की एनटीपीसी की गाड़ियाँ गुजरती है, धूल से आप लोग भी बहुत परेशान हैं। आपका एनटीपीसी में भी जमीन गई है? तो आप इसी गांव के रहने वाले हैं? यहीं का। बाबा आपका भी कुछ जमीन उमीन गया है? 5 बीघा जमीन लिया। 5 बीघा जमीन गया है? कुछ नहीं, लड़का बच्चा का नौकरी चकरी कुछ नहीं, किसी का नौकरी उकरी नहीं मिला नहीं। तो जो जमीन गया था उसका पैसा वैसा मिल गया? पैसा मिला, लेकिन अभी तक कोई रोजगार वगैरह नहीं मिला। आपके घर में पढ़े लिखे लोग हैं? हाँ, बच्चा खत्म नहीं, एक उठो बच्चा है पढ़ने लायक। बताइए कितना दूर से आप आ रहे हैं प्लांट से? आ रहे काम करके? जा रहे हैं। अच्छा, घर जा रहे हैं प्लांट से काम करके, या और कहीं गए हुए थे? नहीं, एक चारी एस्टेक गए थे। सर रास्ता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और ये धूल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रास्ता इतना खराब है कहने की बात नहीं, एनटीपीसी कोई ध्यान नहीं देता और धूल तो रोज ही, जितना धूप ज्यादा होता है धूल उड़ता ही रहता है, परेशानी होते रहता है। जी, इनका एक बड़ा बात है, आज थोड़ी हल्की धूप है जिस वजह से ये धूल कम है, अन्यथा यहाँ पर हमेशा धूलों का अंबार लगा रहता है, उड़ता रहता है, लोग अपने नाकों में लेकर इसे जाते रहते हैं, बीमार होते रहते हैं, अपना पैसा खर्च के ट्रीटमेंट कराते रहते हैं, लेकिन ये एनटीपीसी प्रबंधन बिल्कुल सोई हुई है, बिल्कुल निष्क्रिय होकर के बैठी हुई है। ना तो यहाँ इनका कोई सुनने वाला है, ना ही इनके कोई दुख को समझने वाला है। आप देख रहे थे प्राइम टीवी, अमित कुमार के साथ कैमरामैन शमशाद भाग। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कृष्णा पटेल हमारे साथ जुड़ेंगे। कृष्णा, जिन किसानों ने अपनी खेती की जमीन एनटीपीसी को दी आज वो रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, इसको लेकर और क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है? एनटीपीसी ने जब ये जमीन लिया था लीज पे या लीज पे, तो उस समय कहा गया था कि हर परिवार को जॉब दिया जाएगा, लेकिन चिन्हित परिवार को जॉब दिया गया और करीब करीब परिवार को जॉब नहीं दिया गया। और कुछ गांव के जस्ट 8 किलोमीटर के दायरे में लिया जाता है एनटीपीसी का कि बिजली दिया जाएगा, रोड अच्छा बनाया जाएगा, आप यहां पे आइएगा कभी देखिएगा, तो आज तक ना रोड कभी बना है ठीक तरह से और ना ही मतलब कुल सुविधा के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति किया जाता है। कृष्ण, ये बताइए कि जो किसानों को मुआवजा देना था वो मिला कि नहीं मिला? अभी तक मुआवजा के नाम पे सिर्फ धूल से वहाँ के मतलब ग्रामीण को सिर्फ धूल से दमा रोगी भी वहाँ पे बहुत सारे मिले हैं और टीबी के रोग भी बहुत सारे, लेकिन पैसा किसी को मुआवजा के नाम पे अभी किसी को कुछ नहीं मिला। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कृष्ण।
पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी स्थित अंबिका नगर में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के द्वारा न्यायालय के आदेश पर बैंक के बकायेदार के घर पर कब्जा किया गया। इस दौरान दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त बंजारिया अंचल अधिकारी व कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि मृत्युंजय उपाध्याय के ऊपर बैंक का लगभग 30 लाख रुपए बकाया था और बैंक द्वारा बार बार नोटिस दिए जाने के बाद भी बकाया राशि जमा नहीं की गई, जिसके बाद बैंक ने ऋण वसूली के लिए न्यायालय की शरण ली और उसके बाद न्यायालय के आदेश पर भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की गई। के द्वारा बैंक में लोन लिया गया था, जिसके तहत बैंक में इनके संपत्ति मॉर्गेज कर गया था। बार बार इनको नोटिस भेजा गया और फिर से 1/2002 के तहत बैंक नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने इनका संपत्ति का जो है कितना लोन था सर 10 लाख का लोन था। हम लोग इसको मॉर्गेज प्रॉपर्टी था, ये प्रॉपर्टी बैंक में बंधक रखा हुआ था, उसी के तहत इसकी कार्रवाई करते हुए बैंक नियमानुसार इसको। बैंक द्वारा बार बार नोटिस दिए जाने के बाद भी बकाया राशि जमा नहीं की गई थी। खबर बिहार ग्रामीण बैंक के द्वारा न्यायालय के आदेश पर बैंक के बकायेदार के घर पर कब्जा किया गया। इस दौरान दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त बंजारिया अंचल अधिकारी व कई पुलिस मौजूद रहे वहां पर। वहीं उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि मृत्युंजय उपाध्याय के ऊपर बैंक का लगभग 30 लाख रुपए बकाया था। बैंक द्वारा बार बार नोटिस दिए जाने के बाद भी राशि जमा नहीं की गई थी, जिसके बाद बैंक ने ऋण वसूली के लिए न्यायालय की शरण ली, उसके बाद न्यायालय के आदेश पर भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की गई। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां साठी थाना क्षेत्र में एक युवक का देसी कट्टा लहराते हुए सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो गया और वायरल फोटो की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस में खलबली मच गई, जिसके बाद पुलिस ने आनंद फानंद में दोनों युवकों को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुट गई। खबर नालंदा से है, जहां छठ पूजा को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री ने जिले के कई छठ घाट का निरीक्षण किया, जिसके बाद राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर के बारे में तंज कसते हुए कहा कि प्रशांत किशोर की कई भविष्यता वक्त नहीं है, पहले खुद के बारे में तय कर लेना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर को जो हायर करेगा उसके पक्ष में ही प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे। भविष्यता है, पहले अपने बारे में उनको तय कर लेना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं। उनको तो जो हायर करेगा उसके तरफ जाकर के वो प्रचार करते हैं। कभी बंगाल में ममता जी के प्रचार में चले जाते हैं, कभी कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में चले गए थे। तो जो उनको बुलाता है, जो उनको अच्छा लगता है वो चले जाते हैं। वो भविष्यवक्ता नहीं है कि किसी के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। इतनी बात जरूर है कि नीतीश कुमार जी ने जो खबर नवादा से है, जहां पुलिस ने जिले के वारसलीगंज थाने के पुलिस ने 11 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया और अपराधियों के पास से मोबाइल फोन, लैपटॉप, एटीएम और नगद राशि भी बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा और मामले की कार्रवाई शुरू की। साइबर अपराधियों के विरुद्ध रेड की गई, सूचना मिली थी कि ये साइबर अपराधी इस स्थल पर बैठ के लोगों को कॉल करते हैं, उनसे पैसा ऐंठने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें रेड की गई, इसमें 11 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं जो ज़्यादातर बारसलीगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। एक व्यक्ति इसमें जमुई का रहने वाला है। इनके पास से काफ़ी सामान बरामद हुआ है जो ये शो करता है कि ये लोग साइबर क्राइम में इन्वॉल्व हैं। इनके पास से कुल मिलाकर 28 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। श्री कृष्ण जयंती समारोह के पहले संध्या पर मुजफ्फरपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मैं बिहार में महाविभूति की जयंती समारोह में आया हूं और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहीं सूबे की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार का जनादेश अब जल्द नई कहानी को रखेगा और नया जनादेश देने का काम करेगा। होते हैं वो जाति, दल, क्षेत्र, भाषा से ऊपर होते हैं और जिनकी सोच छोटे हृदय का रहता है उनको जाति, दल और क्षेत्र भाषा में बांध देते हैं और महापुरुष ये सारे सीमाओं को से बाहर होते हैं
और जो अच्छे कार्य करते हैं उनको सब लोग नमन करते हैं। सुपौल के निर्मली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पर चढ़ने वक्त एक बड़ा हादसा हो गया और 18 वर्षीय युवक पायदान से फिसल कर ट्रेन के नीचे गिर गया। इस बीच युवक के दोनों पैर कटकर अलग हो गए। वहीं इस घटना को लेकर रेलवे स्टेशन पर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही, जिसके बाद इस बीच आरपीएफ और स्थानीय रेल यात्रियों की मदद से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टर युवक की गंभीर हालत को देखते हुए हार सेंटर रेफर कर दिए। वार्ड नंबर 12 के निवासी, जिसका नाम बलराम पंडित है, वह दरभंगा किसी काम से सुबह के जो ट्रेन जाती है दरभंगा 7:40 में है, और उससे वो दरभंगा जा रहे थे। तो उसी दौरान जब ट्रेन पे चढ़ा तो पदाम से जो हाथ स्लिप कर गया और चलती गाड़ी के नीचे आ गया, जिसके कारण उसका पैर जो है कट गया है। तो उसको आनन फानन में अनुमंडलीय अस्पताल निर्मली लाया गया और बेहतर इलाज के लिए डीएम का ट्रेन से गिरकर पैर जो है सो डैमेज हो गया, उसको त्वरित उपचार यहाँ पर करके जहाँ तक संभव था हायर सेंटर रेफर किया गया है, बेहतर इलाज है, तो गंभीर स्थिति है। कहाँ का रहने वाला है लड़का? यह लड़का ललमनिया का रहने वाला है। उम्र कितना होगा? उम्र 18 वर्ष है इसका। गाड़ी खुली निर्मली स्टेशन से, जब गाड़ी खुली स्पीड जब पकड़ ली तो आगे से ही दौड़ की ये पकड़ना चाहे, लेकिन भारी शरीर के चलते संतुलन नहीं बना पाए, पांव स्लिप कर गया, हाथ स्लिप कर गया, नीचे गिर गया। स्थिति कैसी है? स्थिति तो अभी पांव कटा हुआ है, अब क्या कहा जाए, हम तो डॉक्टर नहीं हैं सर, वैसे चाहते हैं जो बच जाए, भगवान करे बच जाए। आरपीएफ के द्वारा त्वरित पहल। खबर मोतिहारी से है, जहां जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष ने श्री कृष्ण बाबू के जयंती समारोह में जमकर राजनीति, भाषण और बयानबाजी की और बिहार के मुख्यमंत्री सहित सभी दलों पर जमकर तंज कसा और नीतीश कुमार को राजनीति से संन्यास लेकर काशी और हरिद्वार जाकर अपने पापों का प्रायश्चित करने की सलाह दी। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी की 135वीं जयंती में, जिसमें विभिन्न गांव से, विभिन्न पंचायतों से लोग आए और कई वक्ताओं ने श्री बाबू के विचारों पर, श्री बाबू के सिद्धांतों पर अपना विचार प्रकट किया, लोगों को समझे। ये आपने मंच का आपका भाषण सुना है, सभी दलों से नाराज दिख रहे हैं, कारण क्या है कि सभी दलों पर आप प्रहार कर रहे हैं, क्या इसके पीछे क्या? जो भी बड़े दल हैं, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, राजद हो, जो भी हो, लोजपा हो, यही दलें तो बिहार में सत्ता में रही है विगत 30-32 वर्षों से। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां साठी थाना क्षेत्र के परसौनी गांव निवासी निभा कुमारी ने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी ऑनर्स पार्टी में 65% लाकर यूनिवर्सिटी में दूसरा स्थान प्राप्त किया। बता दें कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी एनुअल एग्जाम 2021 का परीक्षा जून 2022 में हुआ था, जिसका रिजल्ट 18 अक्टूबर 2022 को जारी हुआ। मैं अपने पढ़ाई का श्रेय माता पिता, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और मेरे जितने भी प्रियजन और गुरुजन हैं, मैं उन सबको देना चाहती हूँ, क्योंकि उनके ही आशीर्वाद से आज मैं इस मुकाम तक पहुंच पाई हूं और मैं आगे भी चाहती हूं कि आप सबका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बनी रहे, ताकि मैं आगे भी जिस मंजिल को हासिल करना चाहती हूं वो उस तक पहुंच पाऊँ। खबर सुपौल से है, जहां केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के पहुंचने पर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने सदर बाजार के गांधी मैदान में आयोजित उद्घाटन सभा में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने रिमोट से पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। वहीं इस मौके पर सांसद दिलेश्वर कामत और विधायक रामविलास कामत सहित कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। श्रीकांत के श्रीकांत जी चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पावर ग्रिड के, अशोक जी डायरेक्टर हैं पासपोर्ट सर्विसेज, मनोज जी, कमल कुमार जी, राम कुमार जी, साथ में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं, हमारे गांव की तरफ के भी लोग हैं, यहाँ बहुत जाने पहचाने चेहरे हैं।
डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर पधारे हुए कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता भारत सरकार के माननीय मंत्री ऊर्जा नवीनीकरण और सुपौल के लाल हम लोगों के अभिभावक। खबर सहरसा से, जहां आगामी 4, 5 और 6 नवंबर को होने वाला उग्रतारा महोत्सव का आयोजन महिषी के राजकमल मैदान में आयोजित किया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम में बॉलीवुड सिंगर और बिहार के लोक कलाकार व स्थानीय कलाकार अपनी छटा बिखेरेंगे। इसी को देखते हुए जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक सहित जिले के तमाम पदाधिकारियों ने महिषी पहुंचकर स्थल का निरीक्षण किया और सभी तैयारियां लगभग पूर्ण होने की स्थिति में हैं। जो हमारा पूरा पंडाल बनेगा उसकी सारी तैयारी, बाहर से कलाकार आ रहे हैं, बाहर से क्योंकि मंडन मिश्रा जी की धरती है, उबिया भारती जी की धरती है, तो उग्रतारा महोत्सव में एक शास्त्रार्थ या जो है हमारा संवाद ना हो तो ये महोत्सव अधूरा हो जाएगा। साथ बाहर से विद्वान आ रहे हैं, लोकल विद्वान भी रहेंगे जिस पे एक पूरी चर्चा होगी जो आज के मुद्दे हैं उन पे और हमारे जो पौराणिक मुद्दे हैं। और ये पूरा महोत्सव पूरे क्षेत्र में एक हर्षोल्लास का और सभी की अच्छी स्वास्थ्य की कामना करते हुए इस महोत्सव को संपन्न किया जाएगा। माँ उग्रतारा। खबर बेतिया से, जहां बलथर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए बिना नंबर प्लेट कार से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए जेल भेजा और आगे की कार्रवाई में जुट गई। खबर सहरसा से, जहां जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सेफ स्विम कार्यक्रम के तहत जिले के गोताखोर का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। बता दें ये प्रशिक्षण शिविर शहर के मध्यस्थगंधा स्थित पोखर में की गई, जहां तकरीबन 25 गोताखोर को इस पोखर में उतारा गया और वहां पर गोताखोर की प्रशिक्षण दी गई ताकि किसी भी आपदा के समय नदी में डूबने वाले लोगों को कैसे बचाया जा सके। सेफ स्विमिंग और इसमें सबसे पहले खुद कैसे बचना है और लोगों को कैसे बचाना है, डूबते हुए व्यक्ति को कैसे बचाना है। कई बार देखा गया है कि एक व्यक्ति डूब रहा है, उसको बचाने के लिए गए, दूसरा व्यक्ति भी डूब जाता है और ये न जानने की वजह से होता है। अगर हम इसके बारे में जानकारी हासिल करें जो व्यक्ति डूब रहा है तो उसको किस तरह से बचाया जाए। उसको छठ घाट के मद्देनजर हम लोग यहाँ पे तैराक पहले से तैराकी सीखे हुए हैं और कुछ जो नए लोग हैं उनको तैराकी का प्रशिक्षण दे रहे हैं, गोताखोरी का प्रशिक्षण दे रहे हैं। अगर कोई डूबने की कहीं घटना होती है तो उनको कैसे बचाया जाए, सुरक्षित कैसे नदी से निकाल लिया जाए और उनका जो प्राथमिक उपचार होता है फर्स्ट एड वो देकर कैसे उनकी जान को वापस लाया जाए, इस तरह का प्रशिक्षण SDRF की टीम के द्वारा दिया गया। खबर भागलपुर से, जहां पीरपैंती प्रखंड के गांव में यज्ञ धुरंधर बाल संत त्यागी जी महाराज के तत्वाधान में 144वां यज्ञ का ध्वजारोहण किया गया। वहीं इस दौरान बाबा त्यागी जी महाराज ने जानकारी दी कि नवंबर को कलश शोभा यात्रा सह भागवत कथा की शुभारंभ की जाएगी। कुशियावासी इसलिए और गर्वान्वित हैं कि हम लोगों के गाँव और हमारे अगल बगल के समाज गौरीपुर शामपुर नारायणपुर और बगल में बरमसिया या जो भी हमारे पड़ोस के समाज के लोग हैं उनके नेतृत्व में हम लोग इसके पूर्व 2 यज्ञ अपने गांव में कर चुके हैं और हम सभी ग्रामीणों की इच्छा थी और समाज का कि एक तीसरा यज्ञ भी हो, जो आज हम लोगों को सौभाग्य मिला है कि त्यागी बाबा के नेतृत्व में आज तीसरे यज्ञ का ध्वजारोहण हमारे काली मंदिर के प्रांगण में हो रहा है। खबर सहरसा से, जहां पुड़िया नगर निगम के जूनियर इंजीनियर के प्रत्येक आवास सहरसा में निगरानी विभाग छापेमारी कर रही और पुड़िया नगर निगम के जूनियर इंजीनियर शिव शंकर सिंह के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो निगरानी थाना में कांड संख्या सर्च वारंट जारी किए जाने के बाद निगरानी विभाग की टीम ने जूनियर इंजीनियर के कई ठिकानों पर छापेमारी की और इस दौरान वहां पे कागजात चेकबुक और पासबुक बरामद किया। दर्ज किया गया है जिसका नंबर 54/2022 है और ये तिथि को दर्ज किया गया 20/10/2022
और उसी कांड के आलोक में माननीय विशेष निगरानी न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके इनके आज इनके यहाँ के आवास का सर्च किया जा रहा है। क्या बरामद हुई, कैसे बरामद हुई? अभी तक जमीन के कागजात बरामद हुए हैं और कुछ बैंक अकाउंट के लगभग 10 कागजात बरामद हुए हैं। खबर नालंदा से, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जिला मुख्यालय बिहार शरीफ के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के नालंदा आगमन के बारे में जानकारी दी और बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बूथ अध्यक्षों के कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए चेतावनी दी। इसी सिलसिले में आज मैं अपने पदाधिकारियों के साथ नालंदा जिले की बैठक कर रहा हूँ और दिसंबर में हम यहाँ पर बूथ अध्यक्षों का एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं। पूरे बिहार में प्रत्येक ज़िले में कार्यक्रम हो रहा है और उसी के तहत पूर्णिया में, छपरा में, भोजपुर में कार्यक्रम हुआ था। उसी प्रकार का एक कार्यक्रम नालंदा ज़िले में भी इस वर्ष ही होगा और माननीय गृह मंत्री जी उस। खबर भागलपुर से, जहां भागलपुर के लोहिया पुल पर सरकारी बस की ब्रेक फेल होने पर टोटो को रौंदते हुए नगर निगम की गाड़ी से टकरा गया। इस घटना में यात्री बाल बाल बच गए। वहीं आग पर मौके पर नगर निगम की गाड़ी वहां पर ना रहती तो बड़ी घटना हो जाती। जो है खराब थी हमारा, और उधर से जो बस जो आ रही थी स्पीड में मोटा मोटी 80 के रफ्तार में, वो जो टोटो वाले के पहले मारा, 5-6 आदमी घायल था उसमें एकदम से। उसके बाद आते हुए मेरे गाड़ी में आके ठोक दिया। उसके बाद ड्राइवर को पकड़ने के लिए बहुत कोशिश किए, मगर ड्राइवर नहीं मिला। क्या लगता है आपका गाड़ी नहीं रहता क्या होता? हमारा गाड़ी नहीं रहता तो 500 फल वाला जो है मर जाता। आज 500 आदमी का जान आज जो है निगम बचा लिया। कितना पेजिंग था? फिलहाल के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।